प्रधानमंत्री भी रोटी हमारी खाता है। आज किसान नहीं रहेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। मोदी जी यही सोच रहे हैं कि हाँ, अगर मान लो इनका दबाव हमने मान लिया तो हमें हर कानून वापस लेना पड़ेगा। ऐसा होगा क्यों? जब कोई गलत कानून है और उसी के विरुद्ध में ही तो जन प्रतिक्रिया होती है, वो उनकी ईगो उनके हृदय में अभी भी उबाले ले रही है, और उस ईगो को यदि उतार दें तो महामना बन जाए। जनता इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं लेगी माननीय मोदी जी, अगर आप ये कहते हो कि जनता मेरे साथ है। मैं एक लाइन में मैं मोदी जी से बस प्रार्थना करूंगा कि बस इस महाभारत को रोक लो। आज किसान नहीं रहेंगे तो रोटी नहीं मिलेगी। आप क्या करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ का हूँ। मैं भी दो चार करीब बेचा हूँ, मेरे जमीन मेरे पास भी है। अच्छा, ये बात नहीं है। यहाँ कैसे? मैं यहाँ भैया यही रहता परवल, लेकिन दो घंटा तीन घंटा में रहता किसानों भाइयों में। मेरे भी खेती बाड़ी है, खेती नहीं रहेगी तो मैं जीऊँगा नहीं और जनता नहीं जिएगी। तो यहाँ आते हो रोज सपोर्ट करने? रोज जीना मैं सपोर्ट नहीं करूँगा यार, जिंदगी भर में करूँगा। हमारे बल पर पृथ्वी प्रधानमंत्री भी रोटी हमारी खाता है, बता दे। मुख्यमंत्री भी रोटी खाता है। एक दिन बिना रोटी के सो जा तो मैं देश छोड़ के भाग जाऊंगा। नहीं, देश छोड़ दूंगा मैं देश में नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी रोटी दुनिया खाती है, संसार खाता है मेरी रोटी। नहीं, उन्हें लाइफ चला। योगी जी कहते हैं ऑपोजिशन वालों के खड़े हुए बंदे की। अरे, भीख मांगने वाला आदमी क्या कहेगा, वो अब की चला जाएगा। गाय कटवा रहा है, गाय कट रही है, हमारे गाय भीख रही घूम रही देश में। प्रधान खा रहे हैं उनका पैसे, प्रधान खा रहे हैं, योगी बैठ के घूम रहा है। यहाँ क्या कर रहे हैं वो, अपना योग क्यों नहीं करते हो जाके? विशुद्ध रूप से समाज सेवी हूँ, किसी भी दल की, मैंने राजनीतिक दल की आज तक 5 रुपए की भी सदस्यता नहीं ली है। सब कुछ होने के बावजूद मन नहीं करता। स्वतंत्र रूप से ग्राम्य भारत भूमि के नाम से अपना एक संगठन चलाता था पहले, सामाजिक तौर से। मेरी औकात इतनी ही थी और कुछ आबादी किसानों की बचवाई, कुछ उनके किसानों के अधिकार। अब फिर शांत था 10 साल से, और किसानों की इस पीड़ा ने मुझे उद्वेलित कर दिया, और मैंने हजारों कविताएं लिखी हैं, हजारों। चलो कोई सुनाइए। और फिलहाल मैं एक कविता आपको अपना ये दर्द कविता के माध्यम से मैं पहुँचा रहा हूँ। तो मोदी तब खोलोगे आंखें जब सुबह से आ जाएगा, मोदी क्या खोलोगे आंखें जब सुबह से आ जाएगा, महावीर भगत सिंह वापस आकर ओज किरण बरसाएगा। महाक्रांति आती है मोदी जब सत्ता विवेक खो देती है, तब बलवेदी इस सकल धरा को रक्त सिक्त कर देती है। प्रजा गदर के महासमर में फूल नहीं बरसाती है, जाती है सारी विधा भूल शिव का त्रिशूल उठाती है, शिव का त्रिशूल उठाती है। मोदी तब खोलोगे आंखें जब सुबह से आ जाएगा, महावीर भगत सिंह वापस आकर ओज किरण बरसाएगा। जयग्राम जय भारत। कैसे देखते हैं इस बिल को? सरकार कह रही है तो रिफॉर्म्स के लिए आया बिल, आप पंडित जी इसको कैसे देखते हैं? परिवर्तन तो एक इस बिल के लिए नहीं है, मोदी जी का एक प्रकार से स्लोगन उनके कार्यकर्ताओं ने और मोदी जी के भाषा ने ये प्रकटीकरण कर रखा है कि मैं देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करूंगा, और 70 साल से मानो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं बहुत बड़ा परिवर्तन करूंगा। तो ये रिफॉर्म तो कहने के लिए रिफॉर्म है, वो पूरे देश के लिए कह रहे हैं, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय उनकी जो व्यक्ति हटवादी आधार पर जो उनकी एक 5-7 लोगों की मंडली है, और है तो हजारों की लिस्ट उद्योगपतियों की, गुजरात से वो पैदा हुए हैं और वहाँ उद्योग जगत है, और वहीं से उनके काफ़ी चेला उद्योगपति बन गए हैं, और वहीं से सारा कुछ उनका तंत्र उठा और वो भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका एक संगठन भी है, बात अलग है, लेकिन मुख्य वहाँ से हुआ। तो वो एक मंडली है जिनमें 5-7 या 3 अदानी अंबानी और कुछ अदर लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वो पूरे राष्ट्र को एक शिकंजे में कसना चाहते हैं। सरकार अब तब्दीली करने को तैयार है, आपको लगता है किसानों को मान जाना चाहिए?
सरकार क्या तब्दीली करना चाहे, जब उसके अंदर सारी ही कमियां हैं, सारी ही खामियां हैं जो, तो फिर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? फिर तो सारा ही क्या कहते हैं वापस होना चाहिए, तो किसानों की मांग सही है। पर आज 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 सरकार कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि अगर सरकार आज दबाव में आके ये बिल वापस ले लेगी, अमेंडमेंट तो चलो ठीक है, तो कल को कोई और संगठन खड़ा हो जाएगा, फिर वो कई चीज़ लगे, फिर देश की तरक्की कैसे होगी, रिफॉर्म्स कैसे आएंगे? नहीं, इस बात से तो इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए कि यदि, और मैं तो कोई भी प्रेशर ग्रुप बन के, राइट, तो फिर स्टेट कैसे चलेगा? मैं मान रहा हूँ मोदी जी यही सोच रहे हैं कि हाँ, अगर मान लो इनका दबाव हमने मान लिया तो हमें हर कानून वापस लेना पड़ेगा। ऐसा होगा क्यों? ऐसा क्यों मान रहे हैं वो, जब कोई गलत कानून है और उसी के विरुद्ध में ही तो जन प्रतिक्रिया होती है। अगर आप गलत कर रहे हैं, चाहे वो इस कानून के बाबत हो या कल को कोई और कानून हो किसी भी विषय क्षेत्र का, अगर नैतिक आंदोलन है और वास्तव में वो गलत रिफॉर्म किया गया है, गलत कानून बनाए गए हैं, तो वो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, हमारी चुनी हुई सरकार है, कोई राजशाही थोड़ी है, हटवाद थोड़ी है, हिटलर थोड़ी है। हम हिटलर की कल्पना थोड़ी करेंगे मोदी जी के अंदर, लेकिन वो हिटलर बन रहे हैं, वो जिद्दी बन रहे हैं और वो इन कानूनों को जबरन थोप रहे हैं, और ऐसा गलत मंतव्य है उनका कि हमें फिर सारे कानून वापस लेने पड़ेंगे। वो ऐसा नहीं, ये भी कह रहे हैं योगी जी ने कहा कि ऑपोजिशन के मोटिवेटिंग फार्मर्स, उन्होंने मोटिवेट किया, वो वाले फार्मर्स असली किसान तो बड़ा खुश है। दो शब्द गुजरात में भी मिले कहीं किसान जी, यहाँ से दो शब्द हैं और ये बोलते देर नहीं लगती कि भाई अपोजिशन करवा रहा है। हाँ जी, चूंकि आज की तारीख में हताशा है, स्वयं मोदी जी का वॉल्यूम, मेरे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत ओज भरा वॉल्यूम होता है, और वो मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि अब वो ओज नहीं रहा है वॉल्यूम में। जो जादू भरी बात कहते थे, जो तेज वाणी में कहते थे, कुछ अभिमानी स्वाभिमानी उसमें कहते थे, इस आंदोलन को मैं धन्य नमन करता हूँ कि कम से कम मेरे प्रधानमंत्री को एक सीमा में लाने का प्रयास किया है। लेकिन अभी जो किसानों की मांग है वो अभी पूरी नहीं मान रहे हैं, वो उनकी ईगो उनके हृदय में अभी भी उबाले ले रही है, और उस ईगो को यदि उतार दें तो महामना बन जाए। अगर उस ईगो को उतार दें, जनता हमारे साथ है, हम इलेक्शन पे इलेक्शन वो जीत रहे हैं, जनता तो उनके साथ है। जनता इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं लेगी माननीय मोदी जी, अगर आप ये कहते हो कि जनता मेरे साथ है, उसमें 25% की तुम्हारी ईवीएम की गड़बड़ी सेटिंग या कोई भी किसी भी विधि, कुछ प्रशासनिक गड़बड़ियां सत्ताएं आपके हाथ में आ गई हैं, कुछ जैसा बिहार में हुआ, तो कुछ प्रशासनिक डीएम के माध्यम से भी अगर ईवीएम से भी नहीं जीतता है तो 1000-2000 वोट से तो वहां पे वो गलत सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अब जो चुनाव होगा, मैं इस आंदोलन से घोषणा कर रहा हूँ, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बहुत भारी फूल में है, जिस अंबानी के उस तंत्र से जो इंटरनेट का तंत्र है उसके के माध्यम से ये हाईजैक की जा रही है या मशीन में सेटिंग की जा रही है आदि आदि, कुछ न कुछ रहस्य तो जरूर है। जब जनता बोलती है तो एक आत्मा बोलती है, ये समझिए। एक सेकंड प्लीज, तो चुनाव अब की बार जो होगा वो किसान ये आंदोलन ये कानून भी वापस लिए जाएंगे, और आगे किसी भी राजा में सरकार किसी की भी बने या इनकी बने, कोई भी गलती ना करे, ईवीएम से चुनाव होगा प्लस एवं हाथ से चुनाव, उसी समय हाथ से वोट डलेगी बैलेट पे, दोनों प्रक्रियाओं से चुनाव होगा, ये मेरी पहली मांग है। सरकार कुछ लोग नेशनल मीडिया के लोग कह रहे हैं, सर बीजेपी के सरकार के लोग भी कुछ कह रहे हैं कि ये खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट है, अलगाववादियों का प्रोटेस्ट, नक्सलवादियों का प्रोटेस्ट है, आपको कितने मिले यहाँ पे? देखिए जिस पंजाब की बात कर रहे हैं ये, हाँ जी, जिस पंजाब पे दाग लगा रहे हैं, उस पंजाब की भूमिका बहुत लंबा बन जाएगा इंटरव्यू, लेकिन महाराणा प्रताप के काल से ही देख लीजिए जिसके ये खालिस्तान बता रहे हैं पंजाब को, और ये गलत भावनाओं से सोच रहे हैं कि वो भारत विरोधी हैं या वो प्रजा विरोधी हैं या बिके हुए हैं या वो कहीं विश्व के संस्थानों से जुड़े हुए हैं, ये इनकी बिल्कुल गलत धारणा है। इस भारत को बचाया है, इसकी अस्मिता बचाई है, जो हिंदुत्व की दुहाई ये देते हैं भारतीय जनता पार्टी और उस पर खड़ा हुआ कोई भी, अगर सात्विक मायने में हिंदुत्व है वो हमारी धारणा है, हम अतिक्रमण ना करें, किसी की ठेस ना पहुंचाए, तो हिंदुत्व हमारा हक है, सिख है, हम किसी की धारणा को ना पहुंचाए, सिखत्व है वो हमारा गुरुत्व है, नहीं समझे, और हमारा हिंदुत्व भी है वो सिखत्व भी, तो कुल मिलाकर के ये गलत दाग लगा रहे हैं, ये पंजाब को दाग लगा रहे हैं, उनका इतिहास है मुगल शासन काल से, आतताई थे मुगल, और उनको जब महाराणा भी ना रहे, जब धरती वीरों से खाली होती दिख रही तो इसी पंजाब से वीर पैदा हुए, वीर निकले बोले इसी पंजाब से, और गुरुदेव निकले, वो भी अवतार रूप में बने, और किन्हें अवतार कहोगे, और किन्हें अवतार कहोगे, भगवान राम में नमन करता हूँ भगवान राम को, भगवान राम के भी इतने पवित्र कर्म नहीं है जितने साक्षात मैं इतिहास देख रहा हूँ गुरु तेग बहादुर का, महाराणा प्रताप का, साक्षात भगवान।
भगवान राम ने चंद्र राक्षस मारे होंगे जंगल में, जो तथाकथित अगर उनको राक्षस भी मान लो, कोई राजनीति भी नहीं है, तो वो चंद राक्षस मारे होंगे। यहाँ बिल्कुल माँ बहन की इज्जत अस्मिता, उन्होंने केवल अपनी पत्नी की अस्मिता बचाई, केवल अपनी पत्नी की अस्मिता बचाने का इतिहास है, पूरे जगती की बेटियों की इज्जत बचाने का इतिहास नहीं है। वो मेरे इष्ट हैं, भगवान हैं, राम हैं। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, लेकिन मैं कवि हूं, मुझे अधिकार है तुलना करने का। उन्होंने केवल अपनी पत्नी की इज्जत के लिए और उसके लिए वो रावण पर चढ़ाई करी, जो इतिहास देख रहा हूं मैंने, जितना पढ़ा है। अच्छे हैं आज छोटे साहबजादों की शहीदी, आज छोटे प्रत्येक बहादुर ने कितने पूरे भारत की, पूरे आर्यव्रत की, पूरे संसार की इज्जत बचाई। आज हम कहां होते, आज ना हम आज हम कहीं नहीं होते। कल्पना कीजिए आप, आज हम हिंदू ही ना होते, समझ रहे हो? आज हम 23 निकल गई हैं, तो आज आज ये उनका हिंदुत्व भी यहाँ नहीं होता। आज उनकी पार्टी राम के नाम पर यहाँ सत्ता नहीं करती। माननीय मोदी जी, जिसको तुम खालिस्तान कह रहे हो, वो उसी उस उन्होंने ही पूरे भारत के हिंदुत्व को बचाया है, भारत को बचाया है, आर्यव्रत को बचाया है। बात धर्म की कट्टरता की नहीं, उन्होंने एक इंसाफ किया था, उन्होंने आतंकवादियों से विद्रोह किया था, जिनको आप आज आतंकवादी, खालिस्तानी तथा कथितर कहा छत्तीसगढ़ के वो माओवादी, आप दुनिया भर के सारे खिताब दे रहे हैं। अरे एक खिताब दो तो कुछ कोई संधि तुम्हारे बहकाई में कहीं कोई आ सकता है, हालांकि वे तो गुरुओं की भूमि है, आसानी से बहकाई में नहीं आ सकते, लेकिन कोई नया बालक बहकाई में आ सकता कुछ क्षण के लिए। लेकिन जब तुम इतने सारे खिताब, सारे दाग लगा रहे हो, ये भगत सिंह की पगड़ी में माननीय मोदी जी, तुम्हारी जो मंडली है, ये मौनी बाबा बने बैठे हैं और अपनी मंडली से खालिस्तानी खालिस्तानी बार बार कहलवा रहे हैं, और ये ज्यादा जी न्यूज से कहलवा रहे हैं। अब जी न्यूज पहले प्रदर्शन दिखा रहा था, उसका पतनाला सारा वहीं पड़ता था गवर्नमेंट को, लेकिन हमारी न्यूज दिखा रहा था। किसी से कोई बात हो गई, क्या विवाद हुआ, मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। और अब वो नाराज हो गए, तो अब वो ले रहे हैं जेवर में इंटरव्यू, वो ले रहे हैं आगरा में इंटरव्यू। मुझे बड़ा कष्ट हुआ है कि यहाँ की खबरें उन्होंने देनी बंद कर दी, एकदम पलट के एकदम और ज्यादा वही मीडिया खालिस्तानी से पोर्ट्रे कर रहा है, और ज्यादा खिलाफ हो गए हैं। और वो केवल ये दिखा रहे हैं कि मतलब पहले तो उनको कहा कि जिससे कोई विवाद बना उनका, कहीं मीडिया में उनका वक्तव्य नहीं निकाल रहे थे, जो भी है तथा कथित। और अब वो सबके लिए कह रहे हैं कि वो जितने भी बैठे हैं वो सब मतलब जो हैं वो हैं अराजक तत्व हैं, अब ये शब्द बोल रहे हैं। हाँ, अब खालिस्तानी खालिस्तानी से बचने लगे मीडिया में, समझ रहे हो, अब माओवादी से बचने लगे हैं। अब कोई कोई बोलते हैं, अब धीरे धीरे सब बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि किसान आ रहा है, ये पूरा भूचाल आ रहा है, भूचाल लाएगा निश्चित रूप से, धर्म के हित में, धर्म के हित में भूकंपन आएगा, पूरा किसान आ रहा है। अभी और रुको मोदी जी, एक माह रुको, केवल एक माह मात्र 10% पंजाब यहाँ आ जाएगा, 30% 40% पूरा हिंदुस्तान यहाँ आ जाएगा निश्चित रूप से। यही है जिन्होंने हिंदुत्व का अपमान किया था, यही पंजाब है जिसको आप ये दाग लगा रहे हो। ये सुभाष, ये हमारे शहीदों के यानी कि जो हमारे अभी आजादी की लड़ाई लड़ी, जो उनके महानायक थे हमारे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि आदि, समझ रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। जब पंजाब की बात आती है तो मेरे बहुत प्रबल वीर भगत सिंह थे, प्रथम श्रेणी में थे, सुभाष की ताकत थे, सुभाष के साथी थे, सुभाष के सही भ्रातृत्व थे, इस भारत भूमि के असली लाल थे, और उन्होंने बलिदान दिया अपना और उन्होंने भारत को बचाया अंग्रेजों से, उसकी पगड़ी पर दाग लगा रहे हैं ये। एक लाइन में मोदी जी को संदेश देना, क्या दो? वो तो सब ताना साहा, तो वो अपने आप सिद्ध हो रहे हैं। मैं एक लाइन में मैं मोदी जी से बस प्रार्थना करूंगा कि बस इस महाभारत को रोक लो, दूसरा कुरुक्षेत्र मत बनने दो मोदी जी। ये दुर्भाग्य है कुछ इस धरा पर, कुरुक्षेत्र पहले रहा महाभारत और भिन्न भिन्न प्रकार की इंद्रप्रस्थ लड़ाई लड़ी गई, और ये दिल्ली राजधानी है, यहाँ किसी भी प्रकार का अब ये महाभारत मत होने दो। और उसका केवल एक ही विकल्प है कि उन कानूनों को वापिस ले लो, कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम इस विषभुजे त्रिशूल को वापिस ले लो। ये है एक लाइन, विषभुजे त्रिशूल को जो छाती में किसान को घोपा है, इसे वापिस ले लो, ये है मेरी एक लाइन। जेकर तुहानू साडा एह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।